चला नहीं है कोई। हाँ शिशिर का जो सहयोगी है स्थायी समिति के मेंबर, वो हम पे आप लोग सामने है हाथ चलाने की भी कोशिश की गई कि आपको थप्पड़ मारेंगे। ये उसका नाम इंद्रजीत चंद्रवंशी जो आप लोग के सामने हुआ, आज मेरे साथ हुआ, कल किसी भी माननीय महिला के साथ होगा। वहाँ बैठी और भी महिला पार्षद सबको बोले थे किस तरह का काम कर रहा है, किस तरह का काम कर रहा है, उसके बाद भी किया जा रहा है। और दो बार चेतावनी देने के बाद भी कहा जाए कि जिससे कहना है कर दीजिए, इशारा में बोला है, इशारा में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है कि कोई देखेगा। वजह यह है कि कहीं ना कहीं हम पे हाथ चलाएंगे। कौन हाथ चलाएगा? सही में बहुत स्ट्रांग है, हमको किसी की पहचान या मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए हमको कोई कारण नहीं चाहिए। हमको हर कोई जानता है, हम हमेशा कोई भी एजेंडा पे मुंह पे बोलते हैं। इससे पहले भी जब हमें स्थायी समिति से इस्तीफा दिए तो सच्चाई को सामने रखे कि मेयर का सुपुत्र पूरा नगर निगम पे कब्जा करता है। हमने मेयर को चुना था सीता साहू के रूप में, ना कि शिशिर को। यही बात का बदला हमसे लिया जा रहा है, इसीलिए आज अभद्रता हमसे किया गया। अभद्रता का क्या किया? इशारा किया और आंख मारा। मैडम जी आंख मारा। क्यों आंख मारा? मतलब जैसे गंदे इशारे आखिर क्यों? सिटी मैनेजर गंदे इशारे इसलिए हुए कि पहले जो कंकड़बाग की माननीय पार्षद है, जैसे ही बैठक शुरू हुई तो माननीय पार्षद कंकड़बाग की जितने भी पार्षद है 12, वो सभी उठ के मेयर के चेयर के पास चली गई और कहने लगी कि हमारा इज्जत नहीं किया जाता है, जो स्कूटी अफसर है पूनम जी उनको हटाया जाए। काफी बोलने के बाद, विरोध के बाद मेयर को बोलना पड़ा ठीक है हटा दिया जाएगा। उसके बाद और भी माननीय पार्षद और भी समस्या और क्षेत्र की समस्या पे बात किए। उसके बाद जब हम बात किए सिटी मैनेजर जो संजय कुमार है, उसका आदेश लेटर करीब 1.5 महीना पहले आया हुआ था, तो उसपे हम सीधे नगर आयुक्त और माननीय मेयर से सवाल किए कि 1.5 महीना पहले जब आदेश लेटर हटाने के लिए आया गया था और इसको तत्काल बेगूसराय भेजने का आदेश जब दे दिया है, तो इसको क्यों आप रख रहे हैं? ये गबन का मामला है, उधार किसी से लिया हुआ है तो उसको सूद समेत देने की बात इस लेटर में की गई है। जो आदेश लेटर हमारे पास नगर निगम मुख्यालय के पास आया, उसके बाद भी 1.5 महीना क्यों आखिर आप रोक के रखे, दबा के रखे, इसकी क्या कारण है? हमारे पास आदेश लेटर आ जाता है, आपके पास नहीं आता, तो नगर आयुक्त बोले कि नहीं हमारे पास नहीं। हमले नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। हमको इतना तक पता चला है कि आपके पास गया था और आप डांट के भगा दिए बड़ा बाबू को। मैडम आज जो घटना हुई है उसको लेके FIR आप दर्ज करवाइएगा, कहाँ कहाँ गुहार लगाने जाइएगा ये बताइए। जैसा कि हम वहाँ भी बोल दिए हैं कि अगर आइंदा मेरे साथ फिर से अभद्रता का व्यवहार करेगा तो हम न्यायालय जाएंगे, महिला आयोग जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि एक बार इसकी जाँच कर ली जाए। अभी थाना में लिख के दीजिएगा। क्या बात है, रो क्यों रहे हैं आप? इसलिए कि एक महिला पार्षद जो ओल्ड थी वो कह रही कि झूठ बोल रही। हम क्यों झूठ बोले? अगर इस तरह की मेरे में आज मेरा दूसरा टर्म है, मेरा ये दूसरा टर्म है, अगर इस तरह की बात रहती हम वैसी रहते तो इससे पहले भी तो बात आती, हम क्यों झूठ बोलेंगे, अपने ऊपर क्यों आरोप लगाएंगे? सच्चाई बोल रही है। FIR करिएगा अभी। FIR हम करेंगे इसलिए क्योंकि हाथ हम पे उठा दिया गया है। कौन हाथ? इंद्रदीप चंद्रवंशी है जो 48 वार्ड का पार्षद है, वो हम पे हाथ उठा दिया है। आपको ये भी बता दे कि इतना डर है माननीय पार्षदों को मेयर के सुपुत्र से कि कोई बढ़ के हमारा मदद भी नहीं करेगा। वो इसलिए डर है कि उसको डर है कि इतना तेजी से काम हो रहा है तो काम रोक दिया जाए। तो इतना आपके साथ हुआ तो पुलिस के शरण में अभी FIR दर्ज कराने जा रही हैं आप? हम आवेदन अभी नहीं लिखे हैं, हम इसलिए अपने कार्यालय पे आए हैं कि आवेदन लिख के हम FIR करें। शिशिर क्यों जाते हैं? शिशिर का वहाँ क्या रोल है? शिशिर मेयर के कहने पे जाते हैं। मेयर कुछ पार्षद जो है उनके विपरीत चलते हैं, जो एजेंडाए जाते हैं और निगम हित के लिए, चूंकि हम पुरानी पार्षद हैं
पिछले बार भी मेरा 5 साल रहा है, पुरानी होने के कारण कुछ जानकारी हमें भी है, तो उसको लेकर हमको लगता है कि कोई एजेंडा निगम हित के लिए नहीं है, पटना वासियों के हित के लिए नहीं, तो सीधे मेरा विरोध रहता है कारण दर्शाते हुए। और वो चाहती हैं कि नहीं पास करें, तो हम आज भी बोले हैं कि मैडम सिर्फ हम पास करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम मेरे जहन में बहुत सारा क्वेश्चन है, पहले उसका जवाब दीजिए, उसके बाद पास करने के बारे में सोचिएगा। जैसा कि मेयर जानबूझ के रखती है कि कोई भी अगर भटकेगा तो उसको टारगेट कर लेना, यहाँ तक कि जो उसका सहयोगी जो सब जानता है, मेयर का दाहिना हाथ बाया हाथ जो बोलिए, जो इंद्रदीप चंद्र बंसी है, वहां भी बोर्ड की बैठक में लगातार हमसे अभद्रता के साथ व्यवहार किया। मेयर जवाब नहीं देके जवाब वो दे रही थी, कमिश्नर जवाब नहीं देके जवाब वो दे रहे थे, इंद्रदीप चंद्र बंसी। और अंत तब हो गया जब हम पे हाथ चलाने की कोशिश की गई, हाथ हम पे उठा दिया गया था, उठाया गया। मेयर मैडम भी थी और भी माननीय पार्षद थे, सतीश गुप्ता भी हमसे बहुत उल्टा सीधा बात करें कि आप जानबूझ के ऐसा कर रही हैं, स्टैंडिंग से हटाए गए इसलिए आप कह रहे हैं, हम स्टैंडिंग से हम खुद हटे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अनर्गल चीज वहां पास होता था, उसका हम हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप चाहेंगे कि शिशिर कुमार आगे से नगम की बैठक में? हम बिल्कुल चाहेंगे, हम चाहेंगे कि वो हमसे साक्ष्य मांगा गया कि क्या साक्ष्य है कि हम आग मारे, हमसे ये साक्ष्य मांगा गया कि हम क्या आपको इशाराबाजी कैसे किए, हमने सीसीटीवी कैमरा तो कहीं नहीं लगी है कि हम आपको बता सकते, मेरे साथ हुआ है तो हम तो बोल सकते हैं, उससे ज्यादा तो हम नहीं बोल सकते। बहुत बार ऐसा किया वो? नहीं, पहला बार हुआ, बहुत बार हमसे जब स्थायी समिति में थे तो हमसे बोलता था कि जब स्थायी समिति में किसी एजेंडा पे मेरा विरोध था तो बैठक खत्म होने के बाद बोलते कि आपसे पच नहीं रहा, आप दे दीजिए इस्तीफा, तो उस समय भी हम उसको बोले थे कि आप खबरदार हमसे इस तरह बात नहीं।